Welcome dear students, today's video is related with the IDO form and its preparation. That means we are going to study about the preparation of IDO form, how this IDO form can be prepared. See, this IDO form is prepared by IDO form reaction. What is this IDO form reaction? Dear students, it is same like HELO form reaction, which I taught you in my previous video related to the chloro form. Alright, so let's have a quick revision of that. See, IDO form reaction basically is a type of HELO form reaction. HELO form reaction. Okay. HELO form reaction means the reaction to prepare HELO form. HELO form means a compound with the general formula CHX3, where X can be Cl, Br or iodine. If X is Cl, we call it chloroform. If X is Br, we call it bromoform. If X is I, we call it iodoform. As I have written here, iodoform CHI3. X ki place pe I hai, theek hai? Ab question comes, how to perform this reaction? Ye reaction kaise perform ki jaye? So this reaction is very, very important. Bahut important reaction hai ye, from the point of view of your exams. This reaction is very specific reaction. Ye bahut specific reaction hai, which is given by only certain type of compounds. Which type of compounds? First one, the compounds which directly contain methyl keto group, CH3, C double bond O group. ऐसे compounds जिनके पास directly ये group है. और second, such kind of compounds which upon oxidation produce compounds containing methyl keto group, CH3 CO group. अब वो कौन से compounds होते हैं, ठीक है, जो upon oxidation produce compounds which contain methyl keto group. उन compounds की हम पहचान कैसे करें? तो बहुत easy और simple trick है उसके लिए. वो सभी compounds जो upon oxidation methyl keto containing group में convert हो जाते हैं, उन कंपाउंड्स में ये स्केलेटन होना मस्ट है. ऑलराइट, यहाँ पे कुछ भी एक्सटेंड हो सकता है, एनीथिंग, आर कुछ भी, एराइल कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें ये सेगमेंट है CH3CHOH, ये वो कंपाउंड होते हैं जिनको अगर आप ऑक्सीडाइज कराएं, ध्यान से देखिए, अगर आप ऑक्सीडाइज कराएं विद द लॉस ऑफ वाटर, ये गया H2O, ठीक है, दे कन्वर्ट इनटू कंपाउंड कंटेनिंग मिथाइल कीटो ग्रुप. ठीक, तो दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो हेलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं. पहला, जिनमें मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है. दूसरा, वो कंपाउंड्स जो अपॉन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस सच कंपाउंड्स विच कंटेन मिथाइल कीटो ग्रुप. जैसे कि मैंने बताया कि उन कंपाउंड्स में कैसे पहचान करें कि वो कंपाउंड्स कौन से हैं, तो उसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक है, उन सभी कंपाउंड्स में ये यूनिट प्रेजेंट होनी चाहिए CH3CHOH. तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जब आपको दिखाई दे तो आप ये समझ जाइए कि वो कंपाउंड इज वेरी वेरी फिट फॉर हेलो फॉर्म रिएक्शन. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर. अब हम आगे बढ़ते हैं. हेलो फॉर्म रिएक्शन डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के जो भी कंपाउंड्स होते हैं मिथाइल कीटो कंटेनिंग या इस तरह वाले जो भी कंपाउंड्स होते हैं, जब आप उनको हेलो फॉर्म रिएक्शन के लिए प्रोसीड कराते हो तो आपको उन कंपाउंड्स की रिएक्शन करानी होती है हैलोजन से, जो आपको बनाना है, हेलो फॉर्म जो बनाना है. अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो क्लोरीन, ब्रोमोफॉर्म है तो ब्रोमीन, आयोडोफॉर्म है तो आयोडीन. अब जैसे मुझे आयोडोफॉर्म बनाना है तो मैं आयोडीन से रिएक्ट कराऊंगी इसको, ठीक है. सो फॉर द टाइम बींग आई एम राइटिंग X2, हेलोजन X2, साथ में सोर्स ऑफ एल्कली, ठीक है. एल्कली आप डायरेक्टली लीजिए या सोर्स ऑफ एल्कली लीजिए. जैसे कि क्लोरोफॉर्म की वीडियो में आपने देखा था, सोर्स ऑफ एल्कली लिया था जो था ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक है. ये हमने किस केस में लिया था? क्लोरोफॉर्म के केस में लिया था, ठीक है. अब जैसे आयोडोफॉर्म के केस में आप जब रिएक्शंस देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे आई हैव टेकन NaOH या Na2CO3, ठीक है. सो आइदर वी हैव एल्कली और द सोर्स ऑफ एल्कली. समझ में आ गई? तो इन तरह के कंपाउंड्स की रिएक्शन आपको किससे करवानी है? हैलोजन, वो हैलोजन जिसका रिस्पेक्टिव आपको हेलोफॉर्म बनाना है, प्लस उसकी रिएक्शन कराएंगे आप एल्कली, सोर्स ऑफ एल्कली और डायरेक्ट एल्कली, ठीक है. आप बात आती है कि प्रोडक्ट क्या हैं इस रिएक्शन के. सो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, ऑलवेज रिमेंबर,
हेलोफॉर्म प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. एक आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. अब कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा डियर स्टूडेंट, इट डिपेंड्स कि वो यहाँ पर किससे अटैच्ड है, यहाँ पर किससे अटैच्ड है. आई होप इट इज़ क्लियर. ठीक है, तो यहाँ पे जिससे वो अटैच है उससे रिलेटेड आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. जैसे अगर आप यहाँ पे मान के चले कि ये रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के साथ हो रही है, CH3CHO, ठीक है, तो मिथाइल कीटो ये है, इससे H अटैच्ड है, तो आपको HCOONA मिलेगा. ठीक, अगर आपकी ये रिएक्शन एसीटोन के साथ हो रही है तो आपको CH3COONA मिलेगा. तो ये डिपेंड करता है कि आपके मिथाइल कीटो के साथ फर्दर कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, इस पर फोकस करिएगा. ठीक है, प्लस NaX सोडियम हैलाइड, X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. अलॉन्ग विद दैट आपको मिलेगा वाटर. अगर आप कार्बोनेट लेते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, अदरवाइज वाटर. सो ये फोर प्रोडक्ट्स आर द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ द हेलोफॉर्म रिएक्शन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस बेसिक कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑफ द हेलोफॉर्म रिएक्शन. आप कीपिंग दिस बेसिक कंसेप्ट इन द माइंड. ठीक है, हम देखेंगे आइडोफॉर्म रिएक्शन, लेकिन उससे पहले एक बेसिक कंसेप्ट और है. किसी भी हेलोफॉर्म रिएक्शन में हमेशा याद रखिए देर आर थ्री स्टेप्स, बेसिकली देर आर टू स्टेप्स होते हैं. लेट अस सी व्हिच आर दोज टू स्टेप्स. वो दो स्टेप्स हैं, नंबर वन इज हैलोजिनेशन, जो कि हर तरह की हेलोफॉर्म रिएक्शन में होगा. हर तरह की रिएक्शन, चाहे आप डायरेक्टली मिथाइल कीटो कंटेनिंग कंपाउंड उठाएं या ऐसा कंपाउंड उठाएं जो अपॉन ऑक्सीडेशन आपको ऐसा कंपाउंड दे, ठीक है, तो उसमें एक स्टेप हैलोजिनेशन होना फिक्स्ड है, तय है, और दूसरा स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस. ठीक है, ऑल राइट. जब आप मिथाइल कीटो कंटेनिंग कंपाउंड्स लेते हैं डायरेक्टली, जैसे कि एसीटोन या एसीटाल्डिहाइड, ठीक है, तो उनमें सिर्फ ये दो स्टेप होंगे. इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए सिर्फ दो स्टेप चाहिए. लेकिन अगर आप ऐसा कंपाउंड लें जिनमें डायरेक्टली ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं है और अपॉन ऑक्सीडेशन आपको वो कंपाउंड मिलता है जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3COHH, और यहाँ पे मैं ले लूँ CH3, मैंने प्रोपेन टू ऑल ले लिया, ये वो कंपाउंड है जो अपॉन ऑक्सीडेशन आपको मिथाइल कीटो कंटेनिंग कंपाउंड प्रोड्यूस कराएगा. तो जब आप इस तरह के कंपाउंड्स पिकअप करते हैं तब आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन में एक स्टेप और ऐड हो जाता है जो कि फर्स्ट स्टेप बन जाता है, वो होता है ऑक्सीडेशन का. अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन का स्टेप क्यों, तो याद रखिए कि आपको ये कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें मिथाइल कीटो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनको उन कंपाउंड्स में कन्वर्ट होना है जिसमें मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी कि प्रोपेन टू ऑल को अपॉन ऑक्सीडेशन किस में कन्वर्ट होना है, एसीटोन में. जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे आप खुद ध्यान से देखिए, ये एच जाएगा, ये एच जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा और ये एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा. आई होप इट इज़ क्लियर. ठीक, तो तब एक स्टेप और ऐड हो जाता है जिसको हम ऑक्सीडेशन का स्टेप बोलते हैं. तो वो नंबर वन स्टेप हो जाएगा, फिर हैलोजिनेशन नंबर टू स्टेप हो जाएगा और हाइड्रोलिसिस नंबर थ्री स्टेप हो जाएगा. अब इसके बाद हम डायरेक्ट रिएक्शन पे जाते हैं. अब हम इस वक्त आइडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन के एग्जाम्पल के फॉर्म में वी आर स्टडिंग आइडोफॉर्म रिएक्शन. सो देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म रिएक्शन. एज आई टोल्ड, फॉर आइडोफॉर्म पर्टिकुलरली वी टेक इथेनॉल और प्रोपेनॉल. इथेनॉल मतलब कि C2H5OH, ऑल राइट, और प्रोपेनॉल मतलब एसीटोन CH3COCH3. आई होप इट इज क्लियर. इसकी रिएक्शन विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली NaOH और वी कैन यूज Na2CO3 एंड वी हैव टू हीट इट कहाँ तक, 60 डिग्री सेल्सियस तक. एज एक्सपेक्टेड, एज आई टोल्ड यू अभी, दैट आइडोफॉर्म विल बी द मेजर प्रोडक्ट. उसके बाद सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. ठीक, सो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कंपाउंड ले रहे हो, वो हम स्टेप्स में देखेंगे, मैकेनिज्म में समझेंगे उसको. प्लस सोडियम आयोडाइड मिलेगा एंड प्लस वाटर मिलेगा. अगर आप Na2CO3 यूज़ कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी वन मोर एडिशनल प्रोडक्ट. ठीक है,
दैट इज़ ओनली इन केस ऑफ सोडियम कार्बोनेट. तो ये बात हो गई स्केलेटल फॉर्म की. अब हम उसको स्टेप वाइज समझते हैं, इथेनॉल और प्रोपिनॉन दोनों से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फ्रॉम इथेनॉल. सो कुछ इस तरह से स्टेप्स होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन, ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस सोडियम हाइपोआयोडाइड. सोडियम हाइपोआयोडाइड, ठीक, प्लस NaI प्लस H2O, ठीक. अब आगे फर्दर रिएक्शन में आप देखोगे सोडियम हाइपोआयोडाइड फर्दर स्टेप्स में यूज होगा इन द कोर्स ऑफ आयोडोफॉर्म रिएक्शन. सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप. ये पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइपोआयोडाइड, ठीक है. सेकेंड स्टेप, सिंस वी आर टेकिंग इथेनॉल, इथेनॉल वो कंपाउंड नहीं है जिसमें मिथाइल कीटो डायरेक्टली प्रेजेंट है, लेकिन इथेनॉल वो कंपाउंड है जो अपॉन ऑक्सीडेशन आपको मिथाइल कीटो कंटेनिंग ग्रुप देगा. दैट्स द रीज़न कौन सा स्टेप आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेप. अब इन द स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन डेफिनेटली वी नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल कौन प्ले करेगा, सोडियम हाइपोआयोडाइड. रिमेंबर सोडियम हाइपोआयोडाइड, ठीक है. सो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे CH3CH2OH रिएक्ट्स विद NaOI, ठीक है. अब ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सोडियम हाइपोआयोडाइड, ऑक्सीजन इसका और टू हाइड्रोजन्स, ठीक है. टू हाइड्रोजन कैसे, जैसे इसको आई एम कैंसलिंग आउट और यहाँ आई विल शो द बॉन्ड, ठीक है, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट. एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है. इस तरह से आप लर्न कर सकते हो इजी वे में. ये हो गया ऑक्सीडेशन. सो अपॉन ऑक्सीडेशन देखो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड मिथाइल कीटो कंटेनिंग ग्रुप. सो दैट्स द रीज़न पहले स्टेप के तुरंत बाद जो आएगा वो स्टेप ऑक्सीडेशन आएगा, तब जब हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें डायरेक्टली मिथाइल कीटो प्रेजेंट नहीं है, ठीक. अब देखो बाई प्रोडक्ट्स की बात है, H2O डेफिनेटली एक बाई प्रोडक्ट होगा. अब बचा NaI, एक बाई प्रोडक्ट हो गया, ठीक है. अब ऑक्सीडेशन के बाद जैसा कि मैंने बताया था नेक्स्ट स्टेप है हैलोजिनेशन. अब चूंकि हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हैलोजिनेशन विल बी आयोडिनेशन. सो सेकेंड स्टेप में जो आपका ये कंपाउंड कंटेनिंग मिथाइल कीटो ग्रुप है वो कंपाउंड का हैलोजिनेशन होता है, इस केस में आयोडिनेशन डायरेक्टली. सो एजेंट कौन है जो आयोडिनेशन का प्रोसेस करेगा, दैट इज सेम NaOI, ठीक. अब आयोडिनेशन में क्या होता है, CH3 के तीनों हाइड्रोजन्स मिथाइल कीटो ग्रुप CH3 सी डबल बॉन्ड को, इस ग्रुप के मिथाइल के तीनों हाइड्रोजन्स को हैलोजन रिप्लेस करता है, ठीक है. सी हियर 3NaOI है, CH3 है, तो तीनों हाइड्रोजन इन तीन आयोडीन से रिप्लेस हो जाएंगे. सो हमें क्या मिलेगा, CI3CHO ट्राई आयडो एसेटल्डिहाइड. हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राई आयडो एसेटल्डिहाइड, ठीक. अब आई की प्लेस पे क्या आएगा, डेफिनेटली तीन हाइड्रोजन आएंगे, तो बाई प्रोडक्ट क्या हो गया, 3NaOH. सो आयोडिनेशन के स्टेप भी आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. अब उसके बाद आता है लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस का स्टेप है, ठीक है. ये हाइड्रोलिसिस का स्टेप है. अब इसमें क्या है कि CI3CHO यानी कि ट्राई आयडो एसिटल्डिहाइड की हाइड्रोलिसिस होती है NaOH से, ठीक है. एल्कली जो हम यूज़ करते हैं रिएक्शन में वो इसकी हाइड्रोलिसिस करता है. अब आप देखो हाइड्रोलिसिस किस तरह से होती है, CI3 तो है ये, बस आयडोफॉर्म के लिए हमें एक H चाहिए, ये H हमें मिल गया, ठीक. तो आपको अपना मेन कंपाउंड मिल गया CHI3, ठीक. अब जो बचा आपको उसको सम अप करके लिखना है, HCOONA सोडियम फॉर्मेट. सो ये रहा स्टेप ऑफ हाइड्रोलिसिस. अब इन सब स्टेप्स को जब आप ऐड करते हैं, ठीक है, तब आपको ये कंप्लीट इक्वेशन मिलेगी. और उस कंप्लीट इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल प्लस आयोडीन प्लस एल्कली. इस रेशियो को हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास आप वो कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें मिथाइल कीटो डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं है तो रेशियो इज़ ऑलवेज फिक्स्ड. यहाँ मेरे पास इथाइल अल्कोहल आई एम यूजिंग. हर हेलोफॉर्म रिएक्शन में आप जो भी ऐसा सोर्स लेंगे मिथाइल कीटो का, ठीक है,
जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा. वो क्या रेशियो है? 1:4:6, यानी 4 मोल्स ऑफ आयोडीन और 6 मोल्स ऑफ NaOH. ये याद रखिए कंप्लीट इक्वेशन के लिए, ठीक है. और आप जानते हैं कि इसमें आपका मेन कंपाउंड है आयोडोफॉर्म, ठीक. अब डिपेंड, मैंने जैसे कि मैंने बताया कि आयोडिनेशन जिस कंपाउंड का होगा उस कंपाउंड से डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. जैसे कि यहाँ पे आयोडिनेशन एसिटल्डिहाइड का है, और मैंने जैसे कि आपको बताया मिथाइल कीटो जिसके साथ अटैच्ड है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. जैसे कि यहाँ पे H प्रेजेंट है, सो जाहिर सी बात है आपको फॉर्मेट मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट, ठीक. उसके बाद NaI एंड H2O. सो दिस वॉज आयोडोफॉर्म रिएक्शन विथ एथाइल एल्कोहल. अब हम देखते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन विथ प्रोपेनोन यानी कि एसीटोन. अब एसीटोन चूंकि वो कंपाउंड है जिसमें डायरेक्टली मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, सो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेप की नीड नहीं है, ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप इज सेम रिएक्शन ऑफ NaOH विद I2, जिसमें NaOI, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो फर्दर आयोडिनेशन स्टेप में बहुत यूज होगा, प्लस NaI प्लस H2O, ठीक है. ये रिएक्शन हुई फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकेंड स्टेप में अब आप एसीटोन यूज कर रहे हो जिसमें डायरेक्टली मिथाइल कीटो प्रेजेंट है, और इस मिथाइल कीटो ग्रुप का आयोडिनेशन कौन करेगा? NaOI, सोडियम हाइपोआयराइड. आयोडिनेशन कैसे होगा अब आप समझ चुके हैं, 3 आयोडीन और मिथाइल कीटो ग्रुप के मिथाइल के 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और आपको आयोडो डेरिवेटिव मिलेगा. अब चूंकि यहाँ दोनों तरफ मिथाइल था तो आप कैसे भी इसको लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो Ci3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ठीक है. इसको कैसे भी आप लिख सकते हो क्योंकि दोनों तरफ CO के दोनों तरफ मिथाइल है, तो मिथाइल की तो आप चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, ठीक है. ऑलराइट, तो आपको मिला ट्राई आयोडो एसीटोन, ठीक, और बाई प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या होगा? 3 NaOH. अब आयोडिनेशन स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जो लास्ट स्टेप है, वो है हाइड्रोलिसिस. अब तक आप समझ चुके हो आफ्टर आयोडिनेशन जो आयोडो डेरिवेटिव हमें मिलेगा कंपाउंड का, उसकी हाइड्रोलिसिस एल्कली से डायरेक्ट की जाएगी, ठीक है. एल्कली से डायरेक्ट उसकी हाइड्रोलिसिस है, और हाइड्रोलिसिस पे देखो आपको प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन करना है अपना. Ci3 तो यहाँ पर है, बस आपको एक H चाहिए, वो H यहाँ से लीजिए. सो CHI3, ठीक. अब बाकी जो बचा वो होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सो CH3COONa. और जैसे कि मैंने बताया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड करता है कि मिथाइल कीटो किससे अटैच्ड है. यहाँ मिथाइल कीटो CH3 से अटैच्ड है, तो आपको डेफिनेटली CH3COONa मिलेगा, ठीक. अब हम बात करते हैं रेशियो की. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था जब हम ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें मिथाइल कीटो प्रेजेंट नहीं है तो रेशियो होगा 1:4:6 का, ठीक है. लेकिन जब हम वो कंपाउंड लेंगे जिसमें मिथाइल कीटो डायरेक्टली प्रेजेंट है तब रेशियो होगा 1:3:4 का. बस इस रेशियो को याद रखिए, 1 मोल ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग मिथाइल कीटो ग्रुप, 3 मोल्स ऑफ आयोडीन एंड 4 मोल्स ऑफ NaOH, और फाइनल प्रोडक्ट आयोडोफॉर्म NaI. अब चूंकि हमने यहाँ पे प्रोपेनोन लिया था, एसीटोन लिया था, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट मीन सोडियम एसीटेट प्लस वाटर. हाँ, अगर आप यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लेते हैं तो आपको एडिशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. और सेम वही चीज़ इस रिएक्शन में भी होगी. अगर यहाँ पे NaOH की जगह आप Na2CO3 यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा CO2. बस आई होप दिस आयोडोफॉर्म रिएक्शन इज़ वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और किसी भी तरह से आप आयोडोफॉर्म रिएक्शन कराइए, आयोडोफॉर्म इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड एज येलो PPT, येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आयोडोफॉर्म हमें मिलता है. सो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो आपने देखी, ये ना सिर्फ आयोडोफॉर्म कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है उन कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन में जिनमें मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है या
वो कंपाउंड्स जो अपॉन ऑक्सीडेशन आपको कंपाउंड्स देते हैं जिनमें मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी कि कौन से कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स जिनमें ये स्केलेटन पाया जाता है, ठीक है। सो अगर आपको इस तरह के किसी कंपाउंड की टेस्टिंग मिले, कहा जाए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, सो बेस्ट रिएक्शन है आइडोफॉर्म रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आइडोफॉर्म रिएक्शन में आपको ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। वो ऑब्जर्वेशन क्या है? मैंने येलो स्केच पेन से लिखा है, येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म। सो दिस इज आइडोफॉर्म रिएक्शन। आई होप डियर स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू।